आज का जो वीडियो है ये इस पपीता को कितने फल लगे ना इसके बारे में और ना मैंने जो बहुत सारे पौधे लगाए खेती के छोर पर ना उसके बारे में और ना कुछ अलग जो खेती के बारे में है उसके बारे में नहीं। तो इसके लिए आज का जो मुख्य विषय है वो किस बारे में ये जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। तो हम जिस गाँव में रहते हैं, शहर में रहते हैं या कहीं पर भी रहते, तो उस गांव में एक ऐसा मंदिर होता है जिसे हम कुल देवता का मंदिर कहते हैं या वो मंदिर पूरे गांव की श्रद्धा का स्थान होता है। तो बात यह है कि उस मंदिर की हम सब लोग देखभाल करते हैं, उसका अगर कोई दीवार टूट गई तो उसे नया बनवाते हैं, सब लोग मिलकर पैसा इकट्ठा कर कर उसे अच्छा करते हैं। वो चाहे किसी धर्म की हो, चाहे वो मस्जिद हो, चर्च हो, चर्च हुआ तो चर्च वाले लोग वो जाति के लोग इकट्ठा आएंगे और वो दुरुस्त करेंगे। तो धर्म जाति का इधर कोई संबंध नहीं है, सिर्फ मुझे क्या कहना है कि जो हमें विरासत में चीज़ें मिली जैसे मंदिर या कोई अलग चीज़, तो उसका हम बहुत देखभाल करते, उसकी हम रक्षा करते, तो वैसे ही ये जो धरती है यह हमें विरासत में मिला, हम इसके मालिक नहीं हैं। जैसे मंदिर की बात कह रहा मैं, तो मंदिर तो वही रहेगा, हम कुछ सालों के बाद मर जाएंगे, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो उस मंदिर का ध्यान रखेगी, ख्याल रखेंगी जैसे पिछले पीढ़ी ने ध्यान रखा है। तो वैसे ये जो धरती है ये हमें विरासत में मिले, हमारे पूर्वजों ने इसे काफ़ी अच्छे तरीके से संभाला है और हमें इसे अच्छे तरीके से संभाल कर हमारी जो आने वाले बच्चे, उन बच्चों के जो बच्चे यानी पोते, उनको ये धरती हमें अच्छी हालत में सौंपनी है। तो इसीलिए हमें कुछ ऐसा काम करना पड़ेगा ताकि ये हमारे आने वाली पीढ़ी को अच्छी हालत में सौंपी जाए। तो इसके लिए आज का जो मेरा मुख्य विषय वो है प्लास्टिक का। तो हम सब लोग इतना प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं और जगह जगह पर जहाँ पर भी हमें कुछ ख़रीदना है तो प्लास्टिक का कैरी बैग्स लेते हैं। तो ये जो प्लास्टिक की कैरी बैग है इनको सड़ने में सालों साल लगते हैं, ये इधर की उधर भटकती रहते हैं। तो ये जो मुख्य विषय प्लास्टिक का, तो ये सड़ता नहीं है इसलिए उसका कम से कम इस्तेमाल करो, हमें जो हमारी धरती है वो आने वाली पीढ़ी को अच्छी हालत में सौंपनी है। तो हम सबका कर्तव्य, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि प्लास्टिक आपको कहीं सड़ता हुआ नज़र नहीं आएगा, उसको सालों साल लगते हैं सड़ने के लिए, तब जाके वो सड़ सकता है वो भी मालूम नहीं है। क्योंकि जैसे अभी ये कैरी बैग देख रहे हैं ये है, तो इसे बहुत टाइम लगेगा सड़ने के लिए। तो ऐसे अगर सबने सोचा है कि मैं थोड़ा थोड़ा प्लास्टिक का इस्तेमाल कम करूँगा तो अच्छा ही होगा। मैंने बहुत 10 साल से ज़्यादा साल हो गए मैंने प्लास्टिक जो कैरी बैग होती है वो छोटे छोटे रीज़न के लिए मैं इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं अगर कोई चीज़ ख़रीदता हूँ तो एक तो बैग में लेता हूँ और बहुत ही छोटे है तो मैं जेब में रखता हूँ दुकान से लानी है तो, लेकिन मैं कैरी बैग का इस्तेमाल नहीं करता। तो मैंने पिछले 10 साल से बहुत सारी कैरी बैग बचाई है। तो इस धरती का थोड़ा सा प्रदूषण कम करने के लिए अगर आप सब लोग सहायता करते हो तो हम ये जो धरती है हमारी आने वाली पीढ़ी को अच्छी हालत में सौंप सकते हैं। तो यह सब हमारा सबका कर्तव्य है, तो इस पर थोड़ा विचार करें और प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करना शुरू करें। तो बस यही रुकते हैं।